आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफी। पहले खास खबरें। मुल्क भर में जोश खरोश से मनाया गया योगा डे, अवाम और मुमताज शख्सियतों ने की योगा प्रोग्रामों में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, क़ुव्वत मुदाफियत में इजाफे के लिए योगा है कारामद, सेहतमंद जिंदगी के लिए योगा की अहमियत पर दिया जोर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और फौज के तीनों शोबों के सरबराहों के साथ वजीर दिफा राजनाथ सिंह का इजलास, भारत चीन सरहद की सूरत हाल पर गौर। और तेलंगाना के मुफक्किर प्रोफेसर जयशंकर को उनकी बरसी के मौके पर पेश किया गया खुराज अकीदत। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा, आनजहानी लीडर की खिदमत को हमेशा रखा जाएगा याद। अब खबरों की तफसील। आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मसाई से अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में 21 जून 2015 को बैन-उल-अक़वामी योगा डे की हैसियत से तस्लीम किया गया। कोरोना वायरस की वजह से इस मरतबा लोग घरों में ही योगा कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से ऑनलाइन खिताब किया। उन्होंने कहा कि योगा के कई आसन क़ुव्वत मुदाफियत के बढ़ाने में मुआविन साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि ये आसन जिस्म की क़ुव्वत को बढ़ाते हैं। मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में योगा की अहमियत को तस्लीम कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया पहले से ज्यादा योगा की जरूरत महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कोविड-19 के कई मरीज इस कदीम हिंदुस्तानी तरीके को इख्तियार करते हुए इस मर्ज को मात दे रहे हैं। मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस खासतौर पर निज़ाम तनफ्फुस को मुतासिर करता है और योगा में सांस की जो मशक है वो निज़ाम तनफ्फुस को मुस्तहकम करने में मदद देती है। हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। साथियों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आज मुल्क भर में कई मुमताज शख्सियतों ने योगा प्रोग्राम में शिरकत की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में योगा आसन किए। मरकजी वज़रा प्रहलाद पटेल, गिरिराज सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान और मुख्तार अब्बास नकवी ने योगा किया। प्रकाश जावड़ेकर ने अपनी अहलिया के हमराह योगा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने समाज के मुख्तलिफ तबका से ताल्लुक रखने वाले अफराद के हमराह योगा किया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने अरकान खानदान के साथ योगा आसन किए। आज भारत में चूंकि कोरोना का काल है तो सामूहिक रूप से जो योगा होता था वो न करते हुए घर में करो, घर फैमिली के साथ करो, ऐसा संकल्प दिया और इसी तरह सभी परिवार एक साथ आज योगा कर रहे हैं। योगा से शरीर मन बहुत अच्छा रहता है और इसलिए योगा का सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स योगा डे के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम्स में शिरकत की। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने अपने मकानात में योगा डे मनाया। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर योगा के प्रोग्राम्स में शिरकत की। उन्होंने तालीमी इदारों को मशवरा दिया कि वो अपने निसाब में योगा को भी शामिल करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र हर शख्स को अपनी क़ुव्वत मुदाफियत में इजाफे के लिए योगा अख्तियार करना चाहिए। एक इदारे की जानिब से मुनक्किदा डिजिटल योगा एंड मेडिटेशन कैंप की अख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने योगा करने वालों को ऑनलाइन पैगाम दिया।
उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को भारत ने योगा की शक्ल में सेहत का तोहफा दिया है। भारत चीन सरहद पर कशीदगी के पेश नजर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फौज के तीनों शोबों के सरबराहों के साथ एक इजलास मुनक्कद किया। इस इजलास में सरहद की ताजा सूरत हाल का जायजा लिया गया। हुकूमत ने सरहद पर चीन की बढ़ती हुई सरगर्मियों से निपटने के लिए दरकार इकदाम करने मुसलह फौज को पूरी आजादी दी है। इजलास में चीन से निपटने के लिए अख्तियार किए जाने वाली हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर दिफा ने मुसलह अफवाज से कहा कि वो न सिर्फ जमीन पर बल्कि फिजाई और बहरी एतबार से भी चौकस रहें। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एशिया फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम योगा डे के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि सेहतमंद जिंदगी के लिए कदीम दौर का तर्ज जिंदगी काफी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी रिवायत सेहतमंद जिंदगी बसर करने के लिए अपनाई जानी चाहिए। अंतर्जातीय योग दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। प्रतिरोजु योगा चेयंडी, आरोग्यंगा उंडंडी। मरोकसारी तेलंगाणा प्रजलंदरिकी अंतर्जातीय योगा दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। धन्यवादंतु। महबूबनगर जिले में योगा डे के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्कद किए गए। लोगों ने जोश खरोश के साथ इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। जिले में इंडियन रेडक्रॉस के चेयरमैन नटराज और मुमताज डॉक्टर सैमुअल ने योगा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर योगा की अहमियत बयान की। शुरका ने कोरोना वायरस के पेश नजर जिस्मानी दूरी अख्तियार करते हुए योगा आसन किए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिशों की वजह से ही अक्वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल ने 21 जून को बैनुल अक़वामी योगा डे करार दिया है। उन्होंने कहा कि सेहतमंद जिंदगी के लिए हर एक को योगा अपनाना चाहिए। इस मौके पर योगा गुरु वनजा के योगा आसन मरकज तवज्जो थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के मुफक्किर प्रोफेसर जयशंकर की बरसी के मौके पर उनकी खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के क्याम के लिए प्रोफेसर जयशंकर की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करेगी कि आइंदा नस्लें प्रोफेसर जयशंकर की अजीम खिदमत से वाकिफ हों। तेलंगाना के सियासी कायदीन एक के बाद दीगर कोरोना वायरस से मुतासर हो रहे हैं। बीजेपी के साबिक एमएलए रामचंद्र रेड्डी सबसे पहले इस मर्ज से मुतासर हुए। इनके बाद टीआरएस सरकार ने असेंबली मती रेड्डी, यादगिरी रेड्डी, बाजी रेड्डी गोवर्धन और गणेश गुप्ता इस वायरस से मुतासर पाए गए। इनके बाद कांग्रेस के लीडर जी नारायण रेड्डी भी कोविड-19 से मुतासर हुए। कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव भी अब इस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन है। झारखंड में बीजेपी की वर्चुअल रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी आवाम को वाजे तौर पर यह बता रही है कि इसने मुल्क और झारखंड के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद रैली का मकसद ही यही है कि आवाम को हुकूमत की कामयाबियों को वाकिफ करवाया जाए। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। मुल्क भर में जोश खरोश से मनाया गया योगा डे। अवाम और मुमताज शख्सियतों ने की योगा प्रोग्रामों में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा क़ुव्वत मुदाफियत में इजाफे के लिए योगा है कारामद। सेहतमंद जिंदगी के लिए योगा की अहमियत पर दिया जोर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और फौज के तीनों शोबों के सरबराहों के साथ वजीर दिफा राजनाथ सिंह का इजलास। भारत चीन सरहद की सूरत हाल पर गौर। और तेलंगाना के मुफक्किर प्रोफेसर जयशंकर को उनकी बरसी के मौके पर पेश किया गया खुराज अकीदत। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा आन जहानी लीडर की खिदमत को हमेशा रखा जाएगा याद।